हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में फ्लैश नोटिफिकेशंस हैं तो फ्लैश नोटिफिकेशंस को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो आपके फ़ोन में फ्लैश नोटिफिकेशंस है तो फ्लैश नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो सिंपली आपके जो फ़ोन की सेटिंग्स है शो हो रही हैं, तो आपको सर्च करना है फ्लैश नोटिफिकेशंस। तो फ्लैश नोटिफिकेशंस को ओपन कर लेंगे। इसको ऑफ़ करते हैं तो जो आपकी फ्लैश नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएगी और कोई भी नोटिफिकेशंस में जो फ्लैश लाइट है आपकी शो नहीं करेगी, क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। और ऑन करते हैं तो जैसे फ्लैश नोटिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आता है तो फ्लैश लाइट में फ्लैश लाइट भी शो करेगी नोटिफिकेशंस में। तो इस तरीके से फ्लैश नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। और आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ही फ्लैश नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स पे जाना, क्लिक करते ही सेटिंग्स ओपन आएगी। जब आप इस पर क्लिक करते हैं शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर, और शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग भी आपके फ़ोन में ओपन हो जाती है जहाँ से आप फ्लैश नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्लैश नोटिफिकेशन सेटिंग्स यहाँ से शो हो रही है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफ़ करते हैं तो जो फ्लैश नोटिफिकेशन है ऑफ़ हो जाएगी और आपके जो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आता है तो कोई भी फ्लैश लाइट शो नहीं करेगी। और ऑन करते हैं तो यूज़ कर सकते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन में, आपके जो नोटिफिकेशन में फ्लैश लाइट शो करेगी और रिस्पॉन्स करेगी। इस तरीके से फ्लैश नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।